अजय देवगन अपने फिल्मी करियर में एक और साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक करने की तैयारी में है। और क्या सिंघम और दृश्यम जैसी साउथ इंडियन रीमेक्स के बाद अजय फिर से हिंदी दर्शकों को एक ब्लॉकबस्टर हिट दे पाएंगे। फरवरी 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट से अजय ने ट्वीट कर ये बताया कि उनकी अगली फिल्म 2019 में रिलीज हुई तमिल सुपरहिट फिल्म क्याटी की रीमेक होगी। और साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में इस फिल्म की रिलीज डेट्स भी फरवरी 2020 बताने की बात कही। साउथ इंडियन फिल्म के हिंदी रीमेक का ट्रेंड बॉलीवुड में कई साल पुराना है। कोई भी बड़ा एक्टर हिंदी सिनेमा में साउथ इंडियन रीमेक के जादू से बच नहीं पाया है। दोस्तों, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लंबा चलने वाला है। इसी लिस्ट में अब कार्टी स्टारर फिल्म कैटी भी शामिल हो गई है। तमिल फिल्म कैटी एक ऐसे कैदी की कहानी है जो कई साल जेल की सजा काटने के बाद अपने 10 साल की बेटी से पहली बार मिलने जा रहा है। उसके सफर में कहानी उसे ऐसे मोड़ पर लाकर रख देती है जहां उसे अपनी जान की बाजी लगाकर एक ड्रग माफिया से कई पुलिस वालों को बचाना पड़ जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को लोकेश कंगराज ने डायरेक्ट किया था, जो इससे पहले 2017 में रिलीज हुई तमिल फिल्म मानगरम को डायरेक्ट कर चुके हैं। कैटी फिल्म की कहानी सन 1976 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म असॉल्ट ऑन प्रिसिंक्ट 13 की कहानी से इंस्पायर है। कैटी फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी को ध्यान में रखते हुए फिल्म में गाने भी नहीं हैं। ये फिल्म 2019 की दिवाली रिलीज थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 105 करोड़ का कारोबार किया था। और साथ ही साथ इस फिल्म को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल टोरंटो 2020 के लिए भी चुना गया था। दोस्तों, फिल्म से जुड़ी प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम वॉरियर्स पिक्चर्स ने इससे पहले तमिल फिल्म जोकर को प्रोड्यूस किया था, जो साल 2016 को रिलीज की गई थी। जोकर ने उस साल बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। दोस्तों, ड्रीम वॉरियर्स पिक्चर ने अब कैटी फिल्म के रीमेक राइट्स रिलायंस एंटरटेनमेंट्स को बेचे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ड्रीम वॉरियर्स इस फिल्म की हिंदी रीमेक को रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी करने वाली है। कैटी फिल्म एक एक्शन पैक फिल्म थी जिसमें तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर कार्टी शिवकुमार ने काम किया था। कार्टी शिवकुमार तमिल फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 16 सालों से काम कर रहे हैं और वो मशहूर तमिल स्टार सूर्य शिवकुमार के भाई हैं। दोस्तों, इस फिल्म की एंडिंग इस तरह से बनाई गई थी कि फिल्म अपने आने वाले समय में अपने सीक्वल के साथ भी दर्शकों के बीच उतारी जा सकती है। और वहीं इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर लोकेश कंगराज का मानना है कि आने वाले वक्त में कैटी की कहानी को आगे बढ़ाए जाने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं। वो मानते हैं कि कैटी के सीक्वल के साथ साथ कैटी के प्रीक्वल का आइडिया भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आ सकता है। फिल्म के एक डायलॉग में एक्टर कार्टी का किरदार अपनी पिछली जिंदगी की कहानी में कुछ रोशनी डालने की कोशिश करता है, जिससे फिल्म ऑडियंस में कैटी के कैटी बनने की कहानी की एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है। वहीं एक्टर कार्टी ने इसके सीक्वल और प्रीक्वल में काम करने की हामी भर दी है। सीक्वल जहाँ एक तरफ पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है, वहीं प्रीक्वल किसी फिल्म की कहानी को पीछे जाकर उसके अतीत के पन्नों को पलटती है। दोस्तों, फिल्म कैटी भी अपने आने वाली फ्रेंचाइजी की फिल्मों में ऐसी ही कहानियाँ दिखाने वाली है। कैटी फिल्म की हिंदी रीमेक में अजय देवगन नजर आने वाले हैं और ये फिल्म फरवरी 2021 तक रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन और सलमान खान को भी अप्रोच किया जा चुका था और वहीं अजय देवगन ने इससे पहले सिंघम, दृश्यम, सन ऑफ सरदार जैसी कई साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक में काम किया और ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अजय देवगन की 2006 की रिलीज फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड भी मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक थी। और सूत्रों की माने तो कैटी फिल्म अजय देवगन के फिल्मी करियर की 10वीं साउथ इंडियन रीमेक होगी। फिलहाल इस फिल्म के निर्देशक का नाम अभी पक्का नहीं हुआ है। कैटी फिल्म के अलावा अजय देवगन अमित शर्मा की मैदान और एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म आरआरआर में भी नजर आएंगे। और वहीं नीरज पांडे की फिल्म चाणक्य और अभिषेक दुधैया के निर्देशन में बनने वाली फिल्म द बुच द प्राइड ऑफ इंडिया भी अजय देवगन के खाते में है। रिलायंस एंटरटेनमेंट इससे पहले अजय देवगन की सिंघम, शिवाय, आरक्षण, सिंघम रिटर्न्स और गोलमाल जैसी फिल्में प्रोड्यूस कर चुका है। दोस्तों, अजय देवगन के कैटी फिल्म की रीमेक की खबरें लोगों के बीच आने के बाद उनके फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। उनके फैंस ने तो इस फिल्म को अभी से सुपरहिट मान लिया है और माना जा रहा है कि उनकी पिछली साउथ इंडियन फिल्मों की तरह ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।
तो दोस्तों ये तो थी अजय देवगन की आने वाली फिल्मों पे हमारी अपडेट्स। आप कमेंट सेक्शन से हमें ज़रूर बताइए कि आपको अजय देवगन की कौन सी साउथ इंडियन रीमेक सबसे ज़्यादा पसंद आई। और बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्टूडियोज़ के चैनल को।